आरबीआई ने दिया बड़ा झटका। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। होम, कार और पर्सनल लोन होंगे महंगे। देश के आम आदमी को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में इस साल लगातार पांचवीं बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी तरह का कर्ज महंगा हो जाएगा और लोगों को ज्यादा ईएमआई भरनी होगी। आपको बता दें, आरबीआई ने रेपो रेट को 0.35% बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले के साथ ही अब होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को नीतिगत दरें बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए बताया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 6% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को 6.5% तक एडजस्ट किया गया है। नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग मेट ऑन 5th, 6th and 7th December बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इट्स आउटलुक द एमपीसी डिसाइडेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 6 टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Consequent to this increase in the policy repo rate by 35 basis points, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 6% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य देश में महंगाई दर को 6% के तय टारगेट से नीचे लाना है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 6.7% पर बरकरार है। इसके साथ ही अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें, अक्टूबर में देश में रिटेल महंगाई गिरकर 6.77% पर आ गई है। इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2022 देश के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 7% का अनुमान जताया था। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट संतुलित है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डिमांड में इजाफा हुआ है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।